हेलो एवरी वन वेलकम टू मैनर ब्रेन्स इज टिस एनर्जोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट स्टोरी ऑफ योर बुक वेरी गुल्ड ठीक है सो यू हैव अ स्टोरी द ग्रास हॉपर एंड द एंट आई डोंट नो आपने आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी है बट अगर आप कार्टून फ़ैन हैं नॉट द जो अभी जो कार्टून्स चलते आ रहे हैं वो वाले नहीं आप अगर uh, स्टोरी वाले कार्टून के फैन हैं तो आपने ग्रैस ओपर एंड दी एंड की स्टोरी ज़रूर देखी होगी इट इज़ अ वेरी फेमस म्यूजिकल स्टोरी एक्चुअली सो इट इज़ फ्रॉम एसोप्स फेबल्स एसोप्स फेबल मतलब लाइक like हमारे पंचतंत्र पता है आपको uh, पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरीज मिला के एक बुक है वैसे ही एसोप्स फेबल्स मतलब एसोप्स की बहुत सारी स्टोरीज है जिनको मिला के एक एक बुक बनी है सो so, ग्रास ऑपर एंड द एंड इज अ फेमस स्टोरी ठीक है बहुत टाइम से चलती आ रही है स्टोरी इस um, इसमें एक ग्रास होपर है एंड बहुत सारी एंड्स है जो एक्चुअली फ्रेंड्स थे बट देन कुछ होता है जिससे फिर हम देखेंगे कि ये लोग फ्रेंड्स रहे कि नहीं रहे ठीक है सो वी मूव ऑन टू द स्टोरी वंस दे लिफ्ट अ लेजी ग्रास होपर लेजी मतलब आलसी कोई काम नहीं करना मेहनत नहीं करनी है

द ग्रास होपर लाफ एट दी हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट उसके वहीं पर कुछ एंड्स भी रहती थी चीटियाँ रहती थी एंड वो दिन भर हार्ड वर्क करती रहती थी आपने देखा था देखा है चीटियाँ जब लाइन बना के घूमती रहती हैं तो कब वो कुछ कैरी करती रहती है हमेशा यू you नो know क्यों वो लोग ना खाना जमा करते हैं क्योंकि एक टाइम आता है जब बाहर उनको खाना नहीं मिलता है वो लोग बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम के लिए वो लोग खाना जमा करते रहते हैं अपने नेस्ट में सो so, एंट्स को बहुत ही हार्ड वर्किंग माना जाता है सो so, जो ग्रास ऑपर है इसके आसपास बहुत सारी एंट्स रहती थी जो दिन भर काम करती रहती थी एंड ये उनपे हंसता था उनका मजाक उड़ाता था वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर ahead। जब विंटर्स आते हैं तब सर हर हर जगह पर स्नो हो जाता था एंड एंट्स को तब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करते हैं पहले ही अपने लिए खाना जमा जमा करके रख लेते हैं तो वो ग्रास को बताते हैं कि विंटर्स आ रही हैं तो हमें खाना स्टोर करना है द लेजी ग्रास ऑपर ओनलीउड समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर्स अराइव्ड ग्रास ऑपर क्या करता है वो सिर्फ हंसता है इन पे कि अरे यार कैसी चीटियां हैं अभी तो अच्छा खासा समर चल रहा है ये लोग अभी से खाना जमा कर रहे हैं बट देन समर्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं एंड धीरे धीरे विंटर्स शुरू होने लगते हैं द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्ट स्नोविंग अब हवा तेज चलने लगी बर्फ गिरने लगी हर जगह पे स्नो गिरने लगा द ग्रास होपर नाउ बिगैन टू वारी अब ग्रास ऑपर को टेंशन होने लगा क्यों उसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है देर इज नो फूड टू ईट नो ग्रास स्नो फ्लावर्स स्नो लीव्स अब आसपास खाने के लिए कुछ नहीं है बेचारा ग्रासों पर ने कुछ जमा भी नहीं किया आई कांट इवन सी आई कॉन्ट कांट सी इवन द टाइनियस्ट फ्लाई और वॉन वॉट विल आई डू आई विल शॉल यू स्टाफ अब ग्रासों पर क्या बोलता है मेरे को कहीं घास नहीं दिख रही कोई लीव्स नहीं दिख रही कोई छोटे छोटे जो ब, ब, लेडीबर्ड जैसे छोटे छोटे बग्स होते हैं ना इंसेक्ट्स वो नहीं दिख रहे मैं क्या खाऊंगा मैं तो भूखा मर जाऊंगा स्टाफ मतलब हंगरी जब बहुत भूख लगती है हम हमसे रहा नहीं जाता ना तो स्टाफ टू डेथ मतलब भूख के मारे मर जाना उसको लगता है कि अब 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 मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है कहीं पे कुछ नहीं है मैं क्या करूंगा क्या करूंगा कि टेंशन में था लेट मी मीट माई काइंड नेबर द अब देखो एंट को वो क्या बोलता है काइंड नेबर मतलब मेरा अच्छा पड़ोसी दयालु पड़ोसी कल तक उस उन एंट्स पे वो हंस रहा था उनका मजाक उड़ा रहा था कि वो काम कर रहे हैं अब जब ज़रूरत पड़ी तो वो एंट्स को अच्छा ने काइंड नेबर बोल रहा है वो क्या सोचता है मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं चलो मैं एंट्स से एक बार जाके बात करके देखता हूँ

कैन यू गिव मी समूड ग्रास होपर एंड को क्या बोलता है एंड देखो मेरी हालत मैं इतना भूखा हूँ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है पीने के लिए कुछ नहीं है इतनी ठंड लग रही है मेरे को क्या तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दोगी दी एट शुक इन एंगर एंड को गुस्सा आ गया देख के लेजी वन वॉट व यू डूइंग ऑल साम वक वो गुस्से से ग्रास ऑपर को क्या बोलती है लेजी तुम इतने आलसी हो पूरा समर तुमने क्या किया यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर अहेड वो उसको डांटती है बहुत तेज डांटती है कहती है सारा दिन तुम हंसते रहते थे गाते रहते थे नाचते रहते थे सन में तब भी मैंने तुमको बोला था विंटर्स आ रहे हैं खाना जमा कर लो बट नहीं तुम्हें तो मस्ती करनी थी अब जब विंटर्स आ गए हैं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है गो अवे वो उसको भगा देती है She slammed her door shut. Slammed her door shut मतलब दरवाजा कैसे जोर से बंद करना होता है ना गुस्से में दरवाजा इससे बंद कर देते दैट इज स्लैमिंग द डोर द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर जो लेजी ग्रास होपर था उसको खाने के लिए वहां से भी कुछ नहीं मिला तो जैसे वो भूखा वहां गया था वैसे ही भूखा उसको वापस आना पड़ा ठीक है सो दैट्स योर स्टोरी we'll read it once more once there lived a lazy grasshopper he didn't like to work all day long he sang songs and played in the warm sunshine he he look at me i am as happy can be uh, the grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night we are storing grains for the long winters ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Summers ended and the cold winters arrived. The wind blew strong and it started snowing. The grasshopper now began to worry. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't even I can't see even the tiniest fly or worm what will i do i will surely starve he cried let me meet my kind neighbor the ant the grasshopper remembered how the hard working ant had stored away grain for winters he knocked at her door dear ant i am hungry and cold i have nothing to eat please can you give me some food the ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. So that was your story, understood? So, story se aapko kya lesson milta That you should not waste your time. यू शुड ऑलवेज यूज़ योर टाइम क्लेवली टाइम एक बार जो चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल हाउ यू यूज़ योर टाइम मस्ती मजाक करना चाहिए ऑब्वियसली बट यू शुड हैव टाइम फॉर दैट ऐसे नहीं कि पूरा दिन टी वी देख रहे हैं पूरा दिन खेल रहे हैं पूरा दिन मस्ती कर रहे हैं नो यू शुड हैव टाइम फॉर एवरी थिंग स्टडी के लिए टाइम रखो एंड पक्का उस टाइम पर स्टडी करो ठीक है होमवर्क के लिए टाइम रखो क्लास स्कूल के लिए अलग टाइम है ट्यूशन्स के लिए टाइम है मस्ती मज़ाक के लिए टाइम है फैमिली को भी टाइम दो ठीक है सो यू शुड यूज़ योर टाइम वेरी केयरफुली एंड हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी बिना हार्ड वर्क के कोई काम नहीं हो सकता आप अगर चेयर पे बैठे बैठे सोचो कि टीवी का चैनल चेंज हो जाए होएगा नहीं होएगा आपको उठना ही पड़ेगा रिमोट को उठाना पड़ेगा बटन दबाना पड़ेगा है ना सो इट इज नॉट पॉसिबल कि कुछ भी हो विदाउट हार्डवर्क यू हैव टू गेट अप एंड वर्क है ना इट्स अ स्टोरी दैट टेल्स दस द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड टाइम मैनेजमेंट हार्डवर्क मेहनत करना टाइम मैनेजमेंट जो टाइम आपके पास है उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना ताकि आप कुछ यूजफुल कर सको उसमें से मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट उसमें से आपको मिले द स्टोरी शोज अस दैट वंस टाइम इज़ गॉन इट वोंट कम बैक इस स्टोरी से हमें हमने देखा कि एक बार जो टाइम चला जाएगा वो वापस तो नहीं आएगा वी शुड वर्क हार्ड इन दी अवेलेबल टाइम सो दैट वी डोंट रिग्रेट वंस द टाइम इज़ गॉन जितना टाइम आपके पास होता है उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे अच्छे से यूज़ कर लोगे उस टाइम को तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा ये सोच के कि अरे काश मैंने पढ़ लिया होता काश मैंने वो कर लिया होता ये कर लिया होता ठीक है The story is about a lazy grasshopper who makes fun of a hard working ant. But as winters come, he does not have anything in store to eat and is left alone to starve. हमारे story में दो जो characters हैं वो कौन हैं? Grasshopper और the ant. दोनों बिल्कुल no, opposite. Ant बहुत मेहनत करता था. अपने आने वाले ठंड के दिनों के लिए उसने खाना store किया. Man, time management and hard work both. And grasshopper ने क्या किया? फुल टाइम मस्ती मज़ाक करता रहा कोई काम नहीं किया एंड जब ठंड आई तब एंट के पास खाना था बट इसके पास नहीं था है ना ग्रास हॉपर के पास कुछ नहीं बचा सो द स्टोरी टेल्स कि अगर ग्रास हॉपर ने थोड़ी मेहनत कर ली होती तो उसको लास्ट में इतना पछताना नहीं पड़ता ठीक है सो दैट्स योर स्टोरी आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई बहुत सिंपल स्टोरी है है ना सो द न्यू वर्ड्स एच ए आर डी हार्ड डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी वर्किंग ब्रेक करके सीख लो आपको इजी हो जाएगा गलत नहीं करोगे हार्ड वर्किंग एच ए आर डी हार्ड डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी वर्किंग ए आर आर आई वी ई डी अराइव्ड ए आर आर आई वी ई डी अराइव्ड अराइव्ड मतलब आना आ गया या फिर आना स्टाफ एस टी आर वी ई स्टाफ नहीं है स्टाफ ठीक है स्टाफ मतलब भूखा मरना बहुत भूख लगना बिल्कुल ताकत नहीं बचना एस टी ए आर वीई स्टाफ एस एल ए डबल एम ई डी स्लैम्ड दरवाजा ऐसे दे मारना ठीक है एस एल ए डबल एम ई डी स्लैम्ड राइट ठीक है सो दैट वॉज योर स्टोरी एंड द न्यू वर्ड्स आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई है रीड द स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड यूज योर टाइम वेरी केयरफुली ठीक है हार्ड वर्क जहाँ चाहिए वहाँ हार्ड वर्क करो टाइम जहाँ मैनेज करना है उसको मैनेज करो ठीक है सो नेक्स्ट आपको कभी उसको सोच के बुरा फील uh, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सो टिल वी मीट नेक्स्ट टेक केयर एंड बाय बाय